नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी आप जो देख रहे हैं वो है सेई नदी का पानी, जो कि पोसिना से लेकर मांडवा की और जांजर और आंजनी गांव के बीच में जो नदी पड़ती है वहां का हिस्सा आप देख रहे हैं। दोस्तों, यहां पर गुजरात सरकार की ओर से पुल बनाया जा रहा था, लेकिन पुल नहीं बना और बारिश अधिक होने से जो रास्ता कच्चा था जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी वो गाड़ियाँ भी गुजरना बंद हो चुके हैं। लोग जो है वो इस पार कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कुछ गाड़ियाँ उस तरफ, और लोगों को पानी में होते हुए जाना पड़ता। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से लोग जो है वो पानी में होकर जा रहे हैं। कुछ लोग आप देख सकते हैं नदी के उस पार जहाँ पर लोग जा रहे हैं, और इस तरफ कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, आप उनको भी देख सकते हैं। और आप बने हुए हैं आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो नज़ारा है वो गुजरात की साबरकांठा जिले की पोसिना तहसील के आंजनी गांव और राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के बाकिल पंचायत के जांजर गांव और आंजनी गांव की सीमा पर जो पड़ने वाली नदी है, यानी कि बॉर्डर पर जो नदी है उसका नज़ारा है। आप देख सकते हैं पानी की मात्रा काफ़ी अधिक है, ऊपरी हिस्से में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से या फिर सेई बांध में पानी ज़्यादा होने की वजह भी हो सकती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो पूरी तरह सड़क उस पार है और साथ ही साथ में इस पार सड़क है, गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी है और कुछ गाड़ियों को इस तरफ खड़ा रहना पड़ रहा है। अब ये पुल तो शायद इस वर्ष बनता है तो शायद लोगों को यहाँ से सड़क डायरेक्ट गाड़ी जा सकती है, लेकिन जो खुद की गाड़ी लेके आते हैं उन्हें अपनी गाड़ी उस पार छोड़नी पड़ती है। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।